जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। गुरु जी, आप अपने सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचाने की कृपालता कर रहे हैं। मेरा अहोभाग्य जो आपने इस सेवा के मुझे लायक समझा है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमो शिवाय, शुक्राना गुरु जी। अब अगला अध्याय शुरू। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची का उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा क्षुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्धत हो उनसे ये बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीची बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं, यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ, यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ, ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले, दधीची ने कहा, मैं देव अधिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की, देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीची बोले, महाब्रह्मो, माया को त्याग दीजिए, विचार करने से ये प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है, आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए, निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाप को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर शुभ अत्यंत दीन हो
उन मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनिश्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणे, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शुभ की ये बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मनी मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीची ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे। शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीची को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सयुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से ध्रुव शुभ और दधीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो शुभ और दधीची के विवाह संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे, उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी ने कहा, विधाता महाप्राज्ञे, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत और रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात, वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, ये हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया, फिर अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया, इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हों और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देवदेव रमानाथ देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की ये बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर ये सारा जगत नष्ट हो जाता है और तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राणवल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा।
यह मैंने सच्ची बात कही है ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा, देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को। इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदनंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाली सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके भारी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वटवृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थीं। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्य आत्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा सेवे और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोगमय वटवृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो गुहाओं के और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद हैं। नारद, उस दिन वे एक कुशान आसन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाईं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधारकर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर तथा परात्पर तर हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्र्यंबक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं, शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है।
आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाश पूर्ण चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से ये वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है, आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। दया सिंधो, महेशान, परमेश्वर, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नाथ, करुणा निधे, शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ, दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं, पूषा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप ना करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्दत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन देकर हंस कर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु देव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ, तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा, वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भक्त देवता मित्र की आँख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे गए यज्ञ अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के, जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अधवर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु, विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषता देवताओं तथा ऋषियों का, जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था, उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितृ, अग्नि तथा अन्य अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समरांगन में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम किया? तात,
तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा ध्रुवपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभो शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ठीक कर दिया। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल और एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुराग धिक्के के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन ना कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया, फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गऊओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल, दीन बंधो शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षडविध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदनंतर मैंने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया, अपने अपमान की और कुछ भी ध्यान ना देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय।